हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रेट फ्रॉम माय किचन। सो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ और मुझे लगी है भूख, तो मैंने सोचा मैं अमूल कूल लेके आई थी, वो मैंने पी लिया। एंड फिर मुझे कुछ ऑप्शन नहीं दिखा, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से मैगी बना लेती हूँ। आई नो सुबह सुबह जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, बट स्टिल मेरे को भूख लगी थी और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो मैंने क्या किया कि ऐसे ही नॉर्मल सी प्याज थोड़ी डाला, सिंपल सा ये हरी मिर्च और क्या बोलते हैं लहसुन थोड़ा सा डाल के और बना लिया सिंपल सी। देखो मेरी शिफ्ट चेंज हो गई है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब वो 11:30 का शिफ्ट इज रियली हैप्टिक, क्योंकि वो मॉर्निंग में जब आओ ना तो इतना ट्रैफिक मिलता है यहाँ पे कि क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत सारी जगहों पे इतना ट्रैफिक रहता है कि मेरे को आप सोचो 8:30 की, मतलब 8:30 को मेरा ऑफ आउट रहता है और मुझे यहाँ पे पहुँचते मतलब रूम पे पहुँचते मेरे को हो जाते मतलब 10:30 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, ऐसे होता है ट्रैफिक की वजह से। अभी जैसे मेरी शिफ्ट ओवर हुई 5:30 बजे, वो तो कैब वाले भैया थोड़े से लेट हो गए थे, इस वजह से मुझे आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज 2-3 अगर ड्रॉप होते हैं तो जल्दी पहुंच जाती हूँ मैं। और हमारी मैगी रेडी है, मैं जल्दी से खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने चाय बना के पी ली थी एंड साथ में थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। देन उसके बाद में मैंने बनाया चावल एंड कोफ्ते, तो अभी मैं वही खाने जा रही हूँ क्योंकि अभी चाय एंड नाश्ते से, चाय नाश्ता मतलब कि चाय एंड नमकीन खाया तो उससे तो भूख नहीं जाती है। तो अभी मैंने बनाया कोफ्ता, कहीं पर घिया बोलते हैं, कहीं पर लौकी बोलते हैं, तो उसी का कोफ्ता मैंने बनाया है एंड साथ में मैंने चावल बनाए। और अभी ऑफिस ले जाने के लिए मैं भी साथ में रोटी या पराठा कुछ तो बना लूँगी, बट अभी फ़िलहाल उसको जा रही हूँ खाने क्योंकि मुझे भूख लगी है। देन फिर उसके बाद में मैं नहाऊँगी, नहाने के बाद में फिर थोड़े बहुत जो काम है वो करूँगी क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े वगैरह हूँ उनको फोल्ड करके रखने हैं और झाड़ू भी लगाना है, सब मेरा काम उल्टा होता है, यही तो प्रॉब्लम है, मेरे काम सारे उल्टे होते हैं। आप लोग देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये क्या है, सुबह में आती है सो जाती है एंड फिर शाम में उठती है चाय नाश्ता करती है खाना बनाती है एंड देन फिर उसके बाद में झाड़ू लगाती है, तो सारे काम उल्टे क्या कर सकती हूँ, मेरा तो यही रूटीन है। मतलब क्योंकि नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट से आके सो जाती हूँ, सो जाती हूँ। मॉर्निंग में मैंने आज मैगी बना के खाई थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी। पता है आपको गाइस, 11:30 की शिफ्ट होती है ना, मतलब जैसे मेरी तो ऑफिस में नाश्ता पूरा प्रॉपर मिलता, मतलब A to Z बटर, जैम, चोकोस, कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क और सब कुछ A to Z, मतलब बनाना से लेके बहुत सारी चीज़ें मिलती है वहाँ पे नाश्ते में। बट जब 8:30 की शिफ्ट हो, बिकॉज जो नाश्ता मतलब नाश्ते का ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है वो 7:45 से स्टार्ट होता है, उससे पहले स्टार्ट नहीं होता है, तो 7:45 से स्टार्ट होता है। तो जब 8:30 की शिफ्ट होती है तो फिर नाश्ता मिल जाता है। ऐसे क्या होता है कि मैं ना अभी आजकल 8:30 से नींद आ रही थी, 8:30 से 5:30 तक की शिफ्ट है तो 5:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो फिर नाश्ता मॉर्निंग का नहीं मिलता है। बट अगर हम 8:30 की शिफ्ट में जा रहे हैं, दैट मीन्स कि 8:30 मतलब 9 से 11 तक डिनर मिलता है, मैं डिनर कर सकती हूँ वहाँ पे प्रॉपर, पर मैं अपना खुद का खाना लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ का डिनर अच्छा नहीं लगता है यार। पहले करती थी पर ना धीरे धीरे वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसमें बहुत मसाले तेल ये सब होता है ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है,
फिर उसके बाद में डिनर डिनर मैंने स्किप कर दिया, तो फिर शाम मतलब इवनिंग क्या बोल रही हूँ मिडनाइट स्नैक्स मिलते हैं। मिडनाइट स्नैक्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी फ्रूट तो एक ना एक फ्रूट तो होता ही है। आज मैं आपको दिखाऊंगी इन केस मैं गई मिडनाइट स्नैक्स खाने, क्योंकि अगर खाना खा लो यार 9:30-10 बजे तक घर का खाना प्रॉपर, तो फिर भूख उक नहीं लगती है इतनी ज़्यादा। बट स्टिल अगर मैं गई तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी चलो मैं जल्दी से एंजॉय करती हूँ अपना कोफ्ता एंड चावल जल्दी से खा के, देन फिर उसके बाद आगे के काम करती हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने बनाया था कोफ्ता एंड यहाँ पे मैंने निकाल लिया है इसको, चलते हैं जल्दी से खाते हैं इसको, ख़त्म करते हैं देन इसके बाद आगे का काम कर। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, मतलब कुर्ती डाल ली है, नीचे जीन्स डाल लिया है और थोड़ी सी लिपस्टिक थोड़ा सा फाउंडेशन वगैरह लगा के रेडी हो गई हूँ। और हेयर्स मेरे काफ़ी गीले हो रखे क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया है आज, और बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे मेरे हेयर्स। मॉर्निंग में भी डैंड्रफ हो रखा था बहुत ज़्यादा। यार ठंड में यही दिक्कत हो जाती है मेरे साथ, बहुत सारा डैंड्रफ हो जाता है, मेरे को बहुत दिक्कत है। अगर आप लोगों के पास कुछ हो ऐसा कुछ, मतलब कोई नुस्खा वगैरह हो, नुस्खा मतलब कोई भी तरीका हो आप लोगों के पास जिससे डैंड्रफ मतलब चला जाए। वैसे तो मेरी ड्राई स्कैल्फ है, मे बी इस वजह से होता है बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, बट अगर आप लोगों के पास कोई तरीका हो जिससे डैंड्रफ को मतलब हटाया जा सके, कम किया जा सके, तो प्लीज़ आप शेयर करना मेरे साथ ताकि मैं वो चीज़ अप्लाई करूँ अपने हेड पे एंड सही हो जाए। क्योंकि ठंड आती है तो गाइज मेरे को बहुत डैंड्रफ होता चला जाता है, इवन मेरे गर्मियों में भी नॉर्मल डेज में भी रहता ही रहता है डैंड्रफ। तो मैं ये सोच रही हूँ गाइज़ की अभी जल्दी से रेडी हो गई, और आज मेरी कैब जल्दी आनी थी गाइज़, 6:30 बजे और अभी 7:00 कुछ मिनट हो रहे हैं, अभी तक कैब नहीं आई है, देखते कब तक आती है। और अभी तक दूर दूर तक मैं आप तक कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी आएगी। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि मैंने ना खाना खाया, देन फिर उसके बाद में मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी रेस्ट करने के लिए। रेस्ट क्या करने के लिए, मतलब मेरी ना बहुत गंदी हैबिट है कि मैं खाना खाने के बाद में ना, मतलब खाना खाने के बाद में क्या कुछ ऐसी चीज़ खाने के बाद जिससे मेरे को थोड़ा सा हैवी लगे, मेरा पेट फुल हो जाए, उसको खाने के बाद ना मैं तुरंत तुरंत कोई भी काम ऐसे कर नहीं पाती हूँ। तो मैं थोड़ी देर लेट गई, तब तक ना मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया, मेरी जो पहले रूममेट थी जो साथ में रहती थी उसका कॉल आ गया निशु का, तब तक फिर उससे मैंने बात की एंड फिर मैं ना कहीं जाने का प्लान कर रही हूँ। टचवुड अगर सब सही रहा तो मैं जाऊंगी एंड देन फिर उसका भी ब्लॉग आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगी, फॉर श्योर शेयर करूंगी। तो अभी से तो ब्लॉग्स कंटिन्यू रहेंगे, तो मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब आपके साथ शेयर होगा, तो यू डोंट वरी यू विल बी गेट अपडेटेड। बट आपको भूलना नहीं है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़रूरत पड़े आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे चैनल को और मेरे वीडियोज़ के लिंक्स को। अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, अगर आपको मेरी कंटेंट में कुछ भी अच्छा लगता हो, और बस कुछ नहीं नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, बस मैं तो ये सब शेयर करती हूँ आपके साथ में। तो देखते हैं, अभी तो मैं वेट कर रही हूँ कि आपका आई जस्ट होप जल्दी से आ जाए। एंड मेरी लाइफ में कुछ इतना स्पेशल होता नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें जब वही सब होता है। और हाँ, कोफ्ता एंड चावल जो था, मेरे से रोटी नहीं बनाई गई, मेरे को मैं थक गई थी तो मैंने रोटी नहीं बनाई, मैं कोफ्ता चावल ही पैक करके ले जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और उसमें ना मैंने अभी दिखाती हूँ आपको मैं। सो गाइस देखो मैंने रेडी कर लिया अपना बैग, लंच बैग, इसमें देखिए मैंने रख लिया है कोफ्ते चावल एंड ये दो टाइप के बिस्किट, एक ये बिस्किट है ये मैं चाय के साथ खा सकती हूँ एंड जब भूख लगेगी तो ये एंड एक चम्मच। और उधर मेरा दूसरा बैग है जिसमें थोड़ा बहुत मेकअप एंड परफ्यूम ये सब रहता है एंड ये पानी की बॉटल मैं नहीं लेके जाती हूँ गाइस। सब लोग कहाँ हैं, मुझे तो लगा आप लोग छोड़ के चले गए कैंटीन में।
बजे मेरी ट्रेनिंग है ना। ओ, 1 बजे आपकी ट्रेनिंग है। सो गाइस, ये है हमारे जॉन, इनको बहुत सो गाइस आई एम सो सॉरी, मैं आप डेट देना आपको बोल रही थी, मतलब मैं आ गई थी यहाँ पर पढ़ना, जल्दी आके मुझे लॉग इन करना पड़ा क्योंकि मेरी कैब ऑलरेडी डिले हो गई थी। आई अभी दिखाती हूँ इनको। ये एक है हमारे कंटेंट, सबसे बड़े वाले, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। क्या है? लोग डर जाएंगे। एक बैल पकौड़ा, मेरे बैल पकौड़े जैसे का लोग ये बैल पकौड़े खा खा के आप भी खाइए। एक बारी अमिताभ बच्चन की एक्टिंग प्लीज देखिए भाई साहब, कभी कमाल जो है उमर के इस पड़ाव में जाने तेल अगरबत्ती बनाने समान ढोल जो है भाई साहब, क्या कुछ नहीं बेचना पड़ रहा। देखिए ये जो चीजें हैं भाई साहब जो है, बस हो गया, अब खाइए ध्यान से। तो दो ब्रेड ले तो लिए, पर पता नहीं कैसे होंगे ऐसे, तो नॉर्मल डेज में ये काफी ऑयली होते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, बट आज कम ऑयली है ना। सो गया, पेट्रोल में टले गए हैं। सच में पेट्रोल में लग गए। सो गाइस, डन विद मिडनाइट स्नैक्स, और जो एप्पल मिला था वो, मतलब यहाँ पे फ्रूट्स हम ले जा सकते हैं अपने साथ। तो ऊपर जा रही है, आप ही इंट्रोड्यूस करो। मुझे मत देखो, मुझे तो दिखा रहे हो आप सारे भाग जाएंगे जितने सब्सक्राइबर हैं। कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं, आप इतने बड़े एक्टर हैं, आपके रिस्पेक्ट। बहुत बड़े एक्टर हैं, कुछ मिला के ऊपर बहुत लगा हमने। इतने बड़े हमारे रिस्पेक्टफुल एक्टर, गुत्थी के फैन। आर यू रेडी फॉर द रोल्स? यस। गुत्थी की पहन, एक बार गुत्थी जैसा हो जाए। हमारे हस्बैंड हमें नहीं करते हैं प्यार, बहुत ज्यादा जो है जिंदगी बर्बाद हो गई है। चलिए मैं पानी पी के आती हूँ। सो गाइस, मिडनाइट स्नैक्स डन हो गए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि वहाँ पे फोन चलाना अलाउड नहीं है, तो मैं इसको नहीं ले जा सकती हूँ अंदर। और फिर आपसे मिलती हूँ मॉर्निंग टाइम में न्यू ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, बट एंड भी तो करना है, तो एंडिंग अभी थोड़ी देर बाद, जब मतलब थोड़ी देर बाद क्या, 5:30 बजे हमारा लॉग आउट होगा, तब फिर करते हैं। हेलो गाइस, हमारा लॉग आउट का टाइम हो गया है, तो अभी हम आए हैं नीचे 6th फ्लोर पे, हमारा फ्लोर जो है 10th है, अभी हम लोग आए हैं 6th फ्लोर पे, सोच रहे हैं यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठ कर जाते हैं। अरे आ जा, तो थोड़ा सा टाइम हमारा बचा था, हम ब्रेक का टाइम बचा था, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। ये है नीलम, मेरी फ्रेंड। हाय नीलम, नीलम कॉफ़ी पिएगी? और कॉफ़ी पिएगी? नहीं, कॉफ़ी। हाँ जी गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, सोच नहीं पा रहे क्या करें क्या ना करें, बहुत बोर हो रहे हैं, और हमारे पास अभी हाफ एन आवर का ब्रेक बचा हुआ था, तो सोच रहे हैं कॉफ़ी वॉफी पी लेते हैं, बट मुझे कॉफ़ी यहाँ की अच्छी नहीं लगती है, मुझे घर की कॉफ़ी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, या फिर कोई कॉफ़ी हो वो तो यहाँ मिलने से रही। बट अब ये ब्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ। बाय, गुड नाइट।